गेट रेडी स्टार्ट। इट इज़ नॉट फिजिबल टू ले डाउन इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज टू हाउ मैनी एडवर्स एंट्रीज अबाउट इनएफिशिएंसी इनकम्पिटेंस और लैक ऑफ इंटेग्रिटी वुड जस्टिफाई द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अंडर द न्यू रूल्स फुल स्टॉप द सर्विस रिकॉर्ड एज अ होल वुड डिटरमाइन द मेरिट्स ऑफ ईच केस इन दिस बिहाफ फुल स्टॉप क्वाइट ऑफन द कॉन्फिडेंशियल रोल अलोन वुड बी सफिशेंट टू गाइड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन रीचिंग अ कंक्लूजन फुल स्टॉप द रिमोटनेस ऑफ एन एडवर्स एंट्री द ग्रेविटी ऑफ अ ब्लॉट एंड अदर डिवेलपमेंट्स इन द सर्विस कैरियर ऑफ द एम्प्लॉयज कंसर्नड सच एज द क्रॉसिंग ऑफ एफिशियंसी वार्स कन्फर्मेशन प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट और एनी अदर मेरिटोरियस सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज कंसर्नड वुड हैव देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस फुल स्टॉप कंक्लूसिव एंड प्रूवन रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंस्पेक्शंस एंड डिपार्टमेंटल एंड विजिलेंस एंक्वायरीज वुड आल्सो बी हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजंस अंडर द रूल्स फुल स्टॉप नेक्स्ट पैरा इट नीड नो रीइटरेशन दैट गवर्नमेंट विशेज टू रिटेन इन इट्स सर्विस ओनली दोज एम्प्लॉयज हूज इंटेग्रिटी इज अनइम्पीचेबल फुल स्टॉप दस इवन अ सिंगल एंट्री डिपिक्टिंग द एम्प्लॉई कंसर्नड एज अ पर्सन ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी एंड द एडवर्स रिमार्क्स देयर अबाउट हैविंग बीन कम्युनिकेटेड एंड नॉट एक्सपंस्ड शुड जस्टिफाई द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन कंसिडरिंग हिम फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अंडर द न्यू rules full stop if the adverse remark on the integrity is of a distant past and there are certain intervening factors in the service of the employee as referred above the appropriate authority would formulate its opinion after taking into account the cumulative effect of the record of the employee concerned full stop it is also relevant to add in this behalf that the appropriate authority may consider the premature retirement of government employee if it has reasonable cause to believe that the employee concerned is lacking in integrity irrespective of an assessment of his ability or efficiency in work full stop next para if a government employee is officiating in a higher post consequent upon his promotion in such a grade after having earned good reports in his substantive grade and if his efficiency is not considered adequate in the higher grade ordinarily his fitness to continue in service beyond the age of 50 years of service may be judged in relation to his substantive grade full stop but if he is good enough for substantive grade but not for the higher grade in which he has been officiating he may be reverted to his substantive grade but retained in service stop